नमस्कार, मैं कृष्णा सोनी, मेरी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की खास मिठाई। हम बनाने जा रहे हैं तिल की बर्फ़ी। तिल की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यह 2 कटोरी तिल लिए हैं। तिल मैंने इस कटोरी से नाप कर लिए हैं और 1.5 कटोरी मैंने यह चीनी ली है। 150 ग्राम मैंने यह मावा लिया है और ये थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। तो सब ये पानी लिया है हमारी चाशनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं फ़ैन गरम करूंगी और तिल को सेक लूंगी। ये देखिए, गैस ऑन कर दी है और फ़ैन को थोड़ा गरम होने देंगे। अब हम हमारे तिल डालकर इसमें थोड़े सेक लेंगे। तिल हमें ज़्यादा लाल नहीं करने हैं, थोड़े से कलर चेंज होने पर हम तिल निकाल लेंगे। यानी 2-3 मिनट के लिए ही हमें तिल चलाते हुए सेकना है, ताकि हमारी तिल नीचे ना लगे। और इसे जब ज़्यादा कड़क कर देंगे हम तो ये कड़वे लगने लगेंगे। तो इसकी सिकाई ज़्यादा नहीं करनी है। ये देखिए, हमारे तिल फूल गए हैं और सिककर एकदम तैयार हो चुके हैं। हमें इन्हें ज़्यादा कड़क नहीं करना है, तो मैं अब इन्हें निकाल लेती हूँ। अब हम थाली में निकाल लेंगे तिल को, ताकि हमारे तिल ठंडे हो जाए। और जब तक हमारे तिल ठंडे हो रहे हैं, हम हमारी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है। चीनी डाल देंगे और इसमें 1/2 कटोरी हम पानी डाल देंगे और इसे चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे, ताकि हमारी चीनी में, ये देखिए, चीनी नीचे ना बैठे। हमारी चाशनी तैयार होती है जब तक हमारे तिल ठंडे हो चुके हैं। अब मैं तिल को पीस लेती हूँ। हमें इसे दरदरा पीसना है। देखिए, इस तरह निकाल कर जार में हम इसे दरदरा पीस लेंगे। लूंगी तो थक होगी, सोई होगी। ये देखिए, हमने हमारे तिल दरदरे करके निकाल लिए हैं। ये देखिए, तिल को हमने दरदरा किया है। इसे ज़्यादा बारीक मत कीजिए, दरदरा रखिए। इधर हमारी चाशनी तैयार हो रही है। हमें एक तार की चाशनी तैयार करनी है। ये देखिए, हमारी चाशनी करीब तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे चेक करने के लिए एक कटोरी में 2-4 बूंदे डालकर देख लूँगी इसे चेक करने के लिए। और इसे थोड़ा ठंडा करके इस तरह चेक कर लीजिए। अभी तक हमारे तार नहीं बंधे हैं, तो इस वजह से थोड़ी चाशनी और तैयार करनी है हमें। अच्छे से इसका एक तार बन जाना चाहिए। अब हम इसकी 2-4 बूंदे कटोरी में डालकर इसे ठंडा करके चेक कर लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। और ये देखिए, तार बनने लग गया है हमारा। ये देखिए, एक तार पूरा हो चुका है। तो अब मैं हमारी इसमें मेल्ट करके मावा डाल दूंगी। चाशनी के अंदर मेल्ट करके आप मावा डाल दीजिए इस तरह, और इसे अच्छे से मिला लीजिए। इस तरह अच्छे से मिला लीजिए। ये देखिए, मावा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर हमारे पीसे हुए तिल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर काजू डाल देंगे। गैस मैंने एकदम मीडियम रखी है, आप गैस मीडियम रखिए। अब मैं इसके अंदर काजू डाल दिए हैं और इसे थोड़ा गाढ़ा होने पर जमा देंगे। जमाने के लिए मैंने यहाँ एक थाली ली है, उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसे थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए, हमारी बर्फ़ी फैन छोड़ने लग गई है, ये एकदम गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसे जमा दूंगी। अब जिस थाली को हमने ग्रीस किया था, हम उसमें इसे डालकर अच्छे से जमा देंगे। इसे अच्छे से जमा देंगे, इस तरह जमा दीजिए। और ठंडा होने पर हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम हमारी तिल की बर्फी को जमने के लिए रख देंगे और जमने के बाद हम इसे काटेंगे। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, तब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारी तिल की बर्फी एकदम ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके पीस काट लेते हैं। तो इस तरह काट लीजिए।
ये देखिए हमारी तिल मावा बर्फी बनकर एकदम तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी बनती है। और प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल महेंद्र सोनी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।